तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिति विज्ञान के बारे में। ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स में 16 नंबर का चैप्टर है जिसका पहला अध्याय है, जिसकी पहली क्लास है आज। मैं पवन कुमार जैन, मेरे स्कूल का नाम है तारासगांव हायर सेकेंडरी स्कूल, और मैं आपको आज स्थिति विज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो इसमें से सबसे पहले आज हम बल से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे, इसकी परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। इस स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आज हम मुख्य बिंदु ये पढ़ाई करेंगे, बल एवं दो बलों का परिणामी एवं दिशा, इसी से संबंधित सारी बातें हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं बल के बारे में। बल होता क्या है? बल की परिभाषा ये है, साइंस विज्ञान में बल को कहा गया है बाह्य कारक, ऐसा बाह्य कारक जो किसी वस्तु या किसी पिंड की स्थिति को परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयास करे। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे हमारे पास ये चौक का डिब्बा है। इस चौक के डिब्बे को यदि हम टेबल से उठाकर दूसरी जगह लगा रख देते हैं तो हमने यहाँ पर बल का प्रयोग किया है। और एक और उदाहरण देखते हैं कि यदि मैं बल लगाता हूँ इस दीवार पर तो ये अपनी स्थिति नहीं बदल पाती है, हम इसकी स्थिति को बदल नहीं पाते। तो यहाँ पर हम लोग दो प्रकार के उदाहरण देखे, बल से संबंधित एक जो है वस्तु की या पिंड की स्थिति को बदल देता है, लेकिन दूसरा जो बल है वो पिंड की स्थिति या वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है। तो इससे हमको यही निष्कर्ष निकलता है कि बल एक ऐसा बाह्य कारक होता है, बाह्य का मतलब होता है बाहरी कारण, जिसके कारण हम किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। तो ये बल से संबंधित परिभाषा है, उनके उदाहरण हो गए। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में, जो हमारे इस गणित विषय में है, जिसके बारे में हमको मेनली पढ़ना है, मुख्य रूप से पढ़ना है, वो है एक बिंदु पर क्रियाशील दो बलों के परिणामी का परिमाण। हमारा जो शीर्षक है वो ये बताता है कि किसी एक बिंदु पर दो बल क्रियाशील होंगे, यानी कार्य करेगा, तो उनका परिणामी जो बल होगा, परिणामी बल, परिणामी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, परिणामी बल का जो परिमाण होगा, परिमाण मतलब उसकी मात्रा क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और साथ में उस परिणामी बल की दिशा के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस परिणामी शब्द का अर्थ जानते हैं। परिणामी का मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु पर जब बल कार्य करता है, जैसे दो बल कार्य करता है, तो हर बल उस पिंड या वस्तु पर अलग अलग प्रभाव डालती है। अलग अलग प्रभाव डालने के कारण उस पिंड पर उन दोनों बलों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, उन दोनों बलों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, वही संयुक्त प्रभाव जो पड़ता है उसी को कहते हैं परिणामी बल। और उस परिणामी बल के परिमाण का मतलब होता है उसकी मात्रा कितनी होगी, कितना लगेगा उस पर बल, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और साथ में उस परिणामी बल की दिशा किधर होगी, किस दिशा की ओर उसका वो जो बल है वो किस दिशा में क्रियाशील होगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। चलिए आते हैं कुछ चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु O है, इस पर एक बल जो कि P नाम का है क्रियाशील है, और उसकी दिशा भी बता देते हैं साथ में, इसकी दिशा किधर है, OA की ओर। साथ में इसी बिंदु O पर एक और बल जिसका नाम है Q, इस बल का नाम है Q, वो OB के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। हमने यहाँ पर बल P को OA के द्वारा प्रदर्शित किया है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है Q नाम का उसको OB के द्वारा प्रदर्शित किया है, उसकी दिशा भी हमने बताया कि O से B की ओर, यहाँ पर O से A की ओर। साथ में हम मान लेते हैं कि इनके बीच में चलो जो भी कोण बन रहा है उसको क्या मान लेते हैं, थीटा, कि ये दोनों, इन दोनों बलों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो थीटा है। तो
ऐसी स्थिति में इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, उसकी जानकारी हासिल करने के पहले हम एक रचना कर लेते हैं कि हम इन दोनों बलों को लेकर के एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे तो कैसे करेंगे? ये जो बल है इसकी दिशा और परिमाण दोनों एक समान होनी चाहिए। ऐसे ही हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। ऐसे ही बल Q है उसकी दिशा और परिमाण के बराबर ही हम यहाँ पर एक और बल की रचना करेंगे। तो चलो करते हैं इस तरीके से। इस बल Q के परिमाण के बराबर जब हम एक नए बल की रचना करते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु लेना पड़ेगा जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं, चलो C है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर इसके इस बल Q के परिमाण के बराबर हमने एक बल की रचना किया है। ऐसे ही हम बल P के परिमाण के बराबर यहां पर एक और बल की रचना करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये समांतर चतुर्भुज की रचना हो जाती है। तो समांतर चतुर्भुज की रचना होने के कारण ये बल P है तो ये भी बल P होगा, ये बल Q है तो ये भी बल Q होगा। और जब समांतर चतुर्भुज की रचना हो गई तो उसके विकर्ण भी होंगे। तो हम यहाँ पर एक विकर्ण की रचना कर लेते हैं। मान लेते हैं ये बल, ये विकर्ण है जिसकी दिशा किधर है, ओ से सी की ओर। तो अब ऐसी स्थिति में एक बल P दूसरा बल Q, इन दोनों बलों को हम देखते हैं कि ये दोनों आसन्न रूप में है, आसन्न रूप में जुड़े हुए हैं। तो हमारा हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे फिजिक्स वगैरह में, फिजिक्स में है कि जब दो सदिश आसन्न रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं तो समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि उन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर भी चूंकि बल एक सदिश राशि होती है इसलिए यहाँ पर बल P और Q ये दोनों आसन्न रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो भी इन दोनों बलों का क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। तो इसे हम परिणामी को किस अक्षर किस से दर्शाएंगे, R से। तो इस परिणामी बल, इन दोनों बलों का परिणामी जो है वो अब R नाम से जाना जाएगा और इसकी दिशा किधर हो रही है, O से C की ओर। तो इसी परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं जिसके बारे में भी 11वीं क्लास में हमने पढ़ चुका है। तो उसी सूत्र को देखते हैं हम। सबसे पहले सूत्र नंबर पहला ये कहता है कि यदि हम इन परिणामी बल R को परिणामी बल R का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण का मतलब ये जान लेना है, मात्रा। मात्रा का मतलब यह होता है कि हम कहीं पर बल कम लगाते हैं कहीं पर ज्यादा लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उसकी मात्रा को बताता है। तो परिमाण का मतलब हमको मात्रा से समझना है। तो परिणामी बल R का परिमाण उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, थीटा और क्यू में थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, क्यू को ऐसे बाहर निकाल देना ताकि पता चले, है ना। इस तरीके से इस परिणामी बल को ज्ञात करने का ये पहला नंबर का सूत्र है। सभी के बारे में जानते हैं पी क्या है, पी और क्यू जो है बल के परिमाण है, उनकी मात्रा को रखना है यहाँ पर, और थीटा का मतलब होगा उन दोनों बलों के बीच का कोण। तो इस तरीके से ये पहला, अगर मान लेते हैं यही परिणामी बल बल P के साथ में मान लो अल्फा कोण बनाता है, यहां पर बना रहा है कोण, तो उसको हम नाम दे देते हैं क्या, कोण अल्फा। और यही बल जो है Q के साथ में अगर कोण बना रहा है, यहां तो बना रहा है कोण, तो इसे हम यदि मान लो बीटा कोण नाम दे दे, तो ऐसी स्थिति में उस कोण को ज्ञात करना है अल्फा बीटा को, तो उसके लिए भी सूत्र है हमारे पास। तो यदि यदि परिणामी बल R बल P से अल्फा कोण बनाता है तब उसकी दिशा को बल P के साथ परिणामी R की दिशा को ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है tan अल्फा बराबर Q
क्यू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इस तरीके से ये परिणामी आर्क का बल पी के साथ में जो कोण है या उसकी दिशा को दर्शाने के लिए हमारे पास ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम उसके दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर का सूत्र। तीसरे नंबर का सूत्र यह है कि यदि यदि परिणामी आर बल क्यू से बीटा कोण बनाता है, उनके बीच बनने वाला जो कोण है वो बीटा है, तब उस परिणामी की उस बल क्यू के साथ में जो दिशा है उसको ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो है टेन बीटा बराबर पी इंटू साइन थीटा अपान क्यू प्लस पी कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग परिणामी बल से संबंधित तीन सूत्र यहां देखे। तीन सूत्रों के साथ इन्हीं का इस्तेमाल करके आगे हम सवाल हल करेंगे। अब इससे संबंधित कुछ और बातें हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे तो ये सूत्र कुछ बदल जाएंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में इन सूत्रों का रूप बदल जाता है, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं। तो कुछ विशेष परिस्थितियां हमारे पास है, अलग अलग कंडीशन में ये सूत्र कैसे बदलते हैं उसके बारे में देखिए। विशिष्ट परिस्थितियां, यह हमारा शीर्षक होगा विशिष्ट परिस्थितियां, यानी क्या क्या स्पेशल कंडीशन है जिसके कारण हमारे ये जो बल का सूत्र है वो अब चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहला नंबर का देखते हैं। पहले नंबर की स्थिति क्या है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये होगा कि दोनों बलों के बीच में कोण जो होगा वो 90 यानी समकोण होगा, अर्थात दो समकोण पर क्रियाशील, समकोण पर क्रियाशील हो। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनाते हुए यदि दोनों बल क्रियाशील है, यानी तब ऐसी स्थिति में दोनों बल का जो चित्र होगा वो कैसे होगा, इस तरीके से। ये बल P है तो ये दूसरा बल Q, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र है परिणामी बल ज्ञात करने का वो अब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का मान जब 90 अंश रखेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा वो अब कॉस 90 अंश बन जाएगा, और कॉस 90 अंश का मान होता है 0, शून्य। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र है परिणामी ज्ञात करने का वो सूत्र भी अब बदल जाएगा। इसलिए आर बराबर वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और यहां पर कॉस थीटा था वो कॉस 90 जब होता तो उसका मान क्या हो जाता, 0। तो हम यहां पर उसको 0 रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र है वो भी अब बदल जाएगा। 0 का गुणा जब इन दोनों से होगा 2 पी क्यू से तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 जब जुड़ेगा यहां से तो केवल बचेंगे ये। तो इस तरीके से ये वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी आर बराबर हमारा जो सूत्र है वो अब ये होगा। यदि हम इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाना चाहें तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग लेना पड़ेगा। वर्गमूल है तो क्या लेना पड़ता है, वर्ग, यानी वर्ग करेंगे जब तो हमारा जो ये सूत्र है वो अब बदल जाएगा, और इस तरीके से आर स्क्वायर और इधर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमारा जो फार्मूला है, सूत्र है, वो अब इस तरीके से बदल जाता है। यदि दोनों बल समकोण पर क्रियाशील हो तो परिणामी बल ज्ञात करने का फार्मूला अब ये होगा। ऐसी एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन यह है कि यदि यहां पर बनने जो थीटा है वो 0 है, 0 अंश, अर्थात
दोनों बल सम कोण पर क्रियाशील नहीं होंगे, अब क्या होंगे, एक ही दिशा में, दोनों बल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्रियाशील हो। इसका मतलब क्या होगा, चित्र के माध्यम से समझते हैं। यदि एक बल ये P है तो दूसरा बल Q, जो कि हम लोग अभी पिछले कंडीशन में देखे थे ऊर्ध्वाधर थी खड़ी, अब वो ऊर्ध्वाधर ना हो के वो बल भी इसी दिशा में होगी, यानी बल Q भी उसी दिशा में होगी, बल P भी, यानी इनके बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, शून्य अंश का होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सूत्र फिर से चेंज हो जाएगा, परिणामी ज्ञात करने का सूत्र। तो इस तरीके से cos थीटा, अब cos थीटा ना होकर के क्या हो जाएगा, cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1, 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो परिणामी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अब यहाँ पर r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ पर cos 0 अंश होगा, और cos 0 अंश का मान जब रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारा जो फार्मूला है वो अब अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का मान, cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 रखेंगे तो जब गुणा करेंगे तो 2pq हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब वर्ग करेंगे तो हमारा जो सूत्र है वो अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, इधर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो अब इधर राइट हैंड साइड दाहिने पक्ष को अब जब हम देखते हैं तो हमारे पास बीजगणित का एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी रूप में आता है, तो इसे हम लोग बदल सकते हैं किस रूप में, a प्लस बी का पूरे का वर्ग। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू पूरे का वर्ग। तो आर स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पूरे ब्रैकेट का वर्ग। तो यदि हम आर निकालना चाहें, परिणामी बल आर, तो ऐसी स्थिति में क्या लेना पड़ेगा, फिर से वर्गमूल लेना पड़ेगा, या फिर घातांक के नियम के हिसाब से देखें तो हम स्क्वायर को हटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमारा जो सूत्र होगा वो अब हो जाएगा इसलिए आर बराबर पी प्लस क्यू, यानी परिणामी बल ज्ञात करने का फार्मूला अब बदल चुका है, अब ये R बराबर P प्लस Q, यानी दोनों बल को आपस में जोड़ देंगे तो वो उसका परिणामी कहलाएगा। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, चलिए जैसे उदाहरण के लिए मुझ पर बल लगाने वाले दो व्यक्ति हैं, दो लोग बल लगा रहे हैं, चलिए देखिए, अब एक व्यक्ति मुझ पर बल लगा रहा है 5 न्यूटन का, और दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में बल लगाता है मुझ पर 2 न्यूटन का। तो ऐसी स्थिति में मुझ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो दोनों बल जुड़ जाएंगे, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 न्यूटन, 7 न्यूटन का जो बल होगा वो मुझको प्रभावित करेगा, यानी मैं इधर झुकूंगा, तो ये जो 7 न्यूटन का जो बल है वही कहलाता है परिणामी बल। ठीक है, आइए अब तीसरे नंबर के तीसरे कंडीशन के बारे में देखते हैं कि यदि मान लो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो थीटा 0 अंश देखें, अब उसके बदले में देखते हैं 180 अंश, कि यदि दोनों बलों के बीच में लगने वाला दोनों बल जो है 180 अंश का कोण बनाते हुए क्रियाशील हो, अर्थात दोनों बल एक ही दिशा में नहीं होगा, अब किस कैसे होंगे, दोनों बल विपरीत दिशा में, 180 अंश का मतलब होता है क्या, विपरीत दिशा, दोनों बल विपरीत दिशा में क्रियाशील है। चलिए आते हैं चित्र के देखते हैं कि 180 अंश का कोण बनाते हुए कैसे दो बल क्रियाशील होंगे। तो मान लेते हैं ये बल P है और दूसरी जो बल है वो है Q, जो कि देखो चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 180 अंश का। तो ऐसी स्थिति में परिणामी बल होगा, इनका परिणामी होगा, उसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या होगा, तो चलिए देखते हैं कि जब 180 अंश का कोण बनाएंगे तो cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ये cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान होता है -1, ऋणात्मक में होता है -1। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो परिणामी ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो अब cos 180 अंश हो जाएगा ऐसे, यहां यानी r बराबर
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 180, और 180 अंश का मान जब हम रखेंगे तो यहाँ पर माइनस वन रखना पड़ेगा, और जब माइनस वन रखेंगे तो जब गुणा होगा तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र है वो अब हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा अब माइनस टू पी क्यू। और फिर से हमारे पास बीजगणित का जो सूत्र होता है उसके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का जो सूत्र होता है उसके हिसाब से ये हो जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और घातांक नियम लगा दें तो ये अब आर बराबर क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। यानी परिणामी बल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास अब नया फार्मूला आ गया, क्या p माइनस क्यू, यानी हम p वाले बल के परिमाण में q वाले बल के परिमाण को घटा दें तो ऐसी स्थिति में वो बल जो है परिणामी ज्ञात करने का फार्मूला हो जाए। अब इसको ऐसे समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुझ पर लगाने वाले दो व्यक्ति हैं जो बल लगा रहे हैं, एक 5 न्यूटन का बल मुझे राइट हैंड साइड दाहिने हाथ की ओर लगा रहा है, खींच रहा है मुझे, दूसरा व्यक्ति इधर से 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर भी खींच रहा है। देखो दोनों की दिशाएं अलग अलग है, दोनों की दिशाएं अलग अलग है, लेकिन परिमाण अलग अलग है, बल का मान अलग अलग है, एक 5 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन का। तो ऐसी स्थिति में मुझ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो किसका प्रभाव पड़ेगा, केवल 2 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन के बल और इधर 3 न्यूटन के बल, इधर का 3 न्यूटन का बल इधर के 5 में से 3 न्यूटन को एक दूसरे को खत्म कर देंगे, क्योंकि इनकी दिशाएं, हाँ दिशाएं विपरीत हैं, और साथ में 3-3 न्यूटन एक दूसरे के बल के मान के बराबर, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो अब जो 5 न्यूटन में से 2 न्यूटन का बल जो बच गया वो मुझको प्रभावित करेगा, वो कहलाएगा परिणामी बल। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 3 कंडीशन है, 3 विशेष परिस्थितियां हैं। जब 90 डिग्री का कोण बनाता है दोनों बल के बीच में, तो कोण बनाता है तो उसके लिए हमारे पास परिणामी बल ज्ञात करने का फार्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और जब दोनों बलों के बीच का कोण 0 अंश होता है, यानी दोनों बल एक ही दिशा में क्रियाशील हो, तो ऐसी स्थिति में वो बल जो परिणामी बल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा उस समय, यानी उसी समय दोनों बल ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसी पिंड को। और जब हम देखते हैं कि दोनों बलों के बीच का कोण जब 180 अंश होता है तो ऐसी स्थिति में परिणामी बल ज्ञात करने का फार्मूला अब ये होगा, यानी यही बल सबसे न्यूनतम होता है, न्यूनतम का मतलब सबसे कम, यानी जब दो बल आपस में एक ही पिंड पर विपरीत दिशाओं में क्रियाशील हो तो ऐसी स्थिति में वो बल सबसे न्यूनतम, कम, सबसे कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग विशेष परिस्थितियों के बारे में देखे बल के अलग अलग सूत्र। अब चलिए कुछ सवाल हल कर लेते हैं। सवाल हल करेंगे, प्रश्नावली के सवाल देखते हैं, कुछ उदाहरण के सवाल देखते हैं। हमारे बुक में दी गई कुछ क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, तो इसमें से मैं नवबोध प्रकाशन की बुक से कुछ सवाल लेके आया हूँ। तो इसमें से सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन, पहला नंबर का प्रश्न। प्रश्न क्या है देखते हैं, 39 ग्राम भार का एक बल, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रश्न है 39 ग्राम भार का एक बल, बावन ग्राम भार के एक बल से समकोण पर है परिणामी बल तथा बल की दिशा, परिणामी बल की दिशा बताइए।
हमारे पास सवाल ये है कि दो बल है, एक 39 ग्राम का और दूसरा 52 ग्राम का, और ये दोनों समकोण पर क्रियाशील है, तो इनके बारे में हम देखेंगे इनका परिणामी बल और उस परिणामी बल की दिशा क्या होगी इसके बारे में देखते हैं। चलिए हमारे सामने में एक प्रश्न है कि एक बल जो है 39 ग्राम भार का है और दूसरा बल जो है 52 ग्राम भार का है, तो दोनों समकोण पर क्रियाशील है, तो इनका परिणामी बल और साथ में उसकी दिशा क्या होगी उस परिणामी की, उसको ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र बनाने से सवाल हल करना बहुत आसान होता है। चलिए हम सबसे पहले एक बिंदु O ले लेते हैं, जहां पर ये 39 ग्राम का जो बल है वो क्रियाशील होगा। मान लेते हैं ये बल P है, उसकी दिशा भी हमने बता दिया। साथ में अब वो 52 ग्राम भार का जो बल है, मान लेते हैं वो इस दिशा में क्रियाशील है, मान लेते हैं उसका नाम क्या है, Q। तो हम यहीं पर बता देंगे कि P 39 ग्राम का भार है और Q जो है 52 ग्राम का भार है। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, मान लेते हैं वो यहां पर बल R के द्वारा दर्शाया जाएगा। देखिए यहां पर परिणामी जो होगा वो इसी दिशा में होगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं मालूम है उसकी दिशा के बारे में। हम मान लेते हैं कि चलिए उसकी दिशा अभी फिलहाल यही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये परिणामी होगा। मान लेते हैं कि ये दोनों बल जो कि समकोण पर क्रियाशील होंगे, तब ये बल जिनका चित्र हमने यहां पर बनाया है वो अब कहां होगा, यहां होगा। मान लेते हैं ये बल क्यों है, यानी अब उसकी स्थिति बदल गई। हम पहले सूत्र के माध्यम से चलते हैं, सूत्र में हमने यहीं पर ऐसे समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में बताया था। अब उसका चित्र बदलेगा, तो ये क्योंकि ये दोनों बल किस पर, समकोण पर क्रियाशील है, तो ये एक बल P है, तो दूसरा बल अब कहां होगा, क्यों, यहां होगा, यहां। ये हमको, हम लोग सूत्र में पढ़े थे, उसको समझने के लिए हमने यहां बनाया है इस चित्र को, ठीक है। तो इस तरीके से अब बल जो है अब यहां होगा, Q जो है 52 ग्राम भार का बल यहां होगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितने अंश का होगा, 90। अब देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों बलों के बीच का कोण हमको पता चल गया है 90 अंश का, यानी थीटा का मान हमको पता चल गया है। बल का परिमाण हमको पता है, बल P जो है 39 ग्राम का है और बल Q जो है 52 ग्राम का है, तो हमारे पास P का मान है, Q का मान है, थीटा का मान है। हम परिणामी बल को ज्ञात करने के लिए सीधे सूत्र का इस्तेमाल करें, तो फिलहाल हमको बताना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि बल P 39 ग्राम भार जो है बल P है और दूसरा Q है, इनका परिणामी R है। तो इस तरीके से शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए हमको ऐसे लिखना पड़ता है, माना दो बल P और Q हैं तथा दोनों का परिणामी कैपिटल R है। हमको शुरुआत में बताना पड़ता है, क्योंकि हमको परिणामी बल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम दोनों बल के परिणामी को कैपिटल R नाम दिया है, और इसी R के मान को निकालना है। R का मान क्या होगा, वही परिणामी बल का मान होगा, साथ में उसकी दिशा भी निकालेंगे, वो बाद में देखेंगे, फिलहाल परिणामी बल का परिमाण निकालते हैं। तो अब सवाल में आता है कि ये तो हमने मान लिया कि इन दोनों बल का परिणामी R है, अब आते हैं कि हमको सवाल में क्या क्या दिया गया है। तो सवाल में हमको दिया गया है कि दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, समकोण है, यानी थीटा का मान हमको दे दिया है 90 अंश, वो बताना है। साथ में हमको P का मान बता दिया है 39 ग्राम और बल Q वो 12 ग्राम। तो इस तरीके से हमको तीन चीजों का मान हमको पता है, तो हम यहां बता दिया कि ये दिया है। अब सीधे हम लोग परिणामी बल R को ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि परिणामी बल R, परिणामी बल R तो उसका सूत्र होता है R अंडर बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2
पी क्यू कॉस थीटा। इसी सूत्र को चाहे तो हम लोग दूसरे रूप में और बदल सकते हैं, अंडर रूट को अगर हटा दें तो इधर इस पर लग जाएगा, यानी अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, यानी सूत्र अब बदल गया इस रूप में। अब जो मान हमारे पास ऊपर में है उन मानों को यहां रख देते हैं तो हमारा परिणामी बल का मान निकल जाएगा। तो अभी आर स्क्वायर तो हमको निकालना है, आर का मान निकालना है, पी का मान हमको पता है, तो यहां रखेंगे तो यह हो जाएगा 39 का वर्ग प्लस क्यू की जगह मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 52, तो यह हो जाएगा 52 का वर्ग प्लस 2 इंटू पी यानी 2 गुणा पी का मान यानी 39 इंटू क्यू, क्यू का मान यानी 52 और इंटू कॉस और थीटा की जगह अब यहां रखेंगे मान 90। तो इस तरीके से हमारा यही मान जब 39 को स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 1521 प्लस 52 का होता है 2704 और प्लस यहां पर हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहां हम लोग कॉस 90 का मान 0 होता है उसे डायरेक्ट रख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। यहां पर साइड में कारण बता देंगे, क्योंकि कॉस 90 अंश बराबर शून्य होता है, तो इसी स्थिति में हम डायरेक्ट इनके मान को शून्य रख सकते हैं सर। अब इन्हें जोड़ने पर इन्हें जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4225, यानी आर स्क्वायर का मान हमारे पास 4225 है, लेकिन हमें तो परिणामी आर का मान निकालना है, तो उसके लिए हमको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो यहां पर लेंगे वर्गमूल, लेने पर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा बायां पक्ष में आर हो जाएगा, और ये 4225 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये होता है 65। तो इस तरीके से परिणामी बल आर का जो मान होगा वो 65 ग्राम होगा। तो हमारे पास अब दोनों बलों के परिणामी तो निकल गया, अब हम लोग दिशा ज्ञात करेंगे उस परिणामी बल की दिशा। तो दिशा को ज्ञात करने के लिए हमको शुरुआत में मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये परिणामी बल P के साथ, देखिए दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं, एक अल्फा वाला है टेन अल्फा और दूसरा टेन बीटा, हम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसका भी इस्तेमाल करेंगे केवल उसी को बताएंगे अभी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये परिणामी बल आर बल पी के साथ में अल्फा कोण बनाता है, तो हम केवल उसी टेन अल्फा वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब लिखते हैं, माना कि परिणामी बल आर बल पी से अल्फा कोण बनाता है। माना कि परिणामी बल आर बल पी से अल्फा कोण बनाता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं, चित्र में ये परिणामी बल आर बल पी के साथ में यदि मान लो कोण अल्फा बनाता है, अल्फा इसलिए क्योंकि हम लोग को अभी पता नहीं है कि ये कोण क्या होगा, कितने अंश का होगा, इसलिए उसको अल्फा मान लिया गया। तब हमारे पास उसे ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है टेन अल्फा बराबर क्यू इंटू साइन थीटा अपान पी प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास उस परिणामी बल की दिशा को ज्ञात करने का फार्मूला है, इसी फार्मूले में मान रखते जाएंगे जो जो हमें पता है। तो Q का मान हमें पता है, ये है 52 ग्राम तो 52 रख देंगे, यहाँ पर साइन थीटा तो थीटा का मान हमें पता है तो उसे रख देंगे 90 अंश, फिर P का मान हमें पता है 39 ग्राम तो 39 रख देंगे, Q का मान 52 ग्राम तो 52 रख देंगे, इंटू कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ रखेंगे 90 डिग्री 90 अंश। अब चूंकि हमें पता है साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, उसे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 52 गुणा 1 बटा 39 धन 52 गुणा कॉस 90 अंश का मान होता है 0। दोनों कारण हमको जो यहाँ मान रखे उसे बताना पड़ेगा, चूंकि साइन 90 अंश बराबर होता है 1 और कॉस
90 अंश बराबर होता है शून्य। तो इस तरीके से इन मानों को रखने के बाद हमारा जो सूत्र है वो आप टेन अल्फा बराबर ये हो जाएगा 52 × 1 यानी 52/39 धन 52 × 0 यानी होता है 0 शून्य। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 52/39। और जब इसे हम काटेंगे किसी संख्या से जैसे 13 से कटेगा 13 × 39 = 52 तो ये हो जाएगा 4/3। हमारे पास बाएं पक्ष में है टेन अल्फा बराबर 4/3 क्योंकि हमें अल्फा का मान निकालना है कोण का मान, इसलिए इस फलन को टेन को इनवर्स फंक्शन में बदलेंगे। तो इस तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं 11वीं क्लास में, तो ये हो जाएगा बाएं पक्ष में अल्फा और ये टेन जो है फलन वो टेन इनवर्स में बदल जाएगा टेन इनवर्स और ये हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से यहाँ पर उस परिणामी बल आर के कोण को ज्ञात किया जा सकता है टेन इनवर्स 4/3। पूरी तरीके से ये कोण का मान हम ज्ञात नहीं कर पाए, बस इतना ही निकलेगा फिलहाल। तो इस तरीके से लास्ट में हम लिख सकते हैं अतः परिणामी बल 65 ग्राम तथा उसकी दिशा 39 ग्राम भार के बल से 10 इनवर्स 4/3 10 इनवर्स 4/3 होगी, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक सवाल हल कर दिए हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है देखते हैं। अच्छा एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमने जो चित्र बनाया है हम चाहे तो डायरेक्ट इसे ना बना करके ऐसा बना सकते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। वो हम सूत्र के माध्यम से जानना चाहते थे कि कैसे ये हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर उस चित्र को बनाया था। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा हम उदाहरण से ले रहे हैं। हमारा उदाहरण क्या कहते हैं देखते हैं और उसे हल करेंगे। हमारा प्रश्न है उदाहरण नंबर 4। सवाल है दो बलों में से बड़ा बल बड़ा बल 80 किलोग्राम है और उनके बीच का कोण 120 अंश है। यदि उनका परिणामी छोटे बल से छोटे बल बल के लंबवत हो तो छोटा बल ज्ञात कीजिए चलिए इसके हल के बारे में देखते हैं। सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए दो बल है उसमें से एक बल 80 किलोग्राम का है, ये हमें बता दिया गया है कि उसका मान कितना है, परिमाण का मान 80 है और उनके बीच दोनों बलों के बीच में से जो कोण है वो 120 अंश का है। तो दो बल चित्र जब बनाएंगे तो दोनों बलों को 120 अंश का कोण बनाते हुए बनाएंगे, साथ में यदि उनका परिणामी छोटे बल के साथ में लंबवत हो यानी छोटे बल के साथ वो 90 अंश का कोण बनाते हुए क्रियाशील होगा परिणामी जो है, तो हमको छोटा बल का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। ठीक है चलिए चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास बिंदु O है जिस पर एक बल P जिसे हम
80 किलोग्राम बताएंगे वो इस दिशा में क्रियाशील है, ओपी दिशा में। और दूसरा जो बल है वो दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों बलों के बीच में 120 अंश का कोण है, तो 120 अंश का कोण यानी दूसरा बल यहाँ बनाते हैं तो 90 हो जाएगा, इसलिए दूसरा जो बल बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, वो मान लेते हैं बल क्यू है। दोनों के बीच देखने से ही पता चल रहा है कितने अंश का, 120 अंश का। अब हमें कहा जा रहा है कि उनका परिणामी यानी इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो छोटे बल से छोटे बल के लंबवत होगा। तो छोटा बल क्यू है तो इसका लंबवत, लंबवत का मतलब खड़ी लाइन खींचनी है, ये ऊर्ध्वाधर है तो वो एक क्षैतिज स्टेप लाइन खींचनी है, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तो ये उनका परिणामी है। इन दोनों के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। तो ये तो चित्र हुआ, चित्र के माध्यम से समझे हम। अब उसी को हम यहाँ लिखेंगे कि इन दोनों बलों में से बड़ा कौन सा है हमें और छोटा कौन सा है, ये नहीं मालूम तो उसे हमको बताना पड़ेगा। माना छोटा बल Q तथा बड़ा बल P है, हमको बताना पड़ता है कि छोटा बल Q है और P को हमने बड़ा बल माना है, तथा माना इनका जो परिणामी है, माना इनका परिणामी कैपिटल R है। इन दोनों का परिणामी बल जो है कैपिटल R है, ये हम पहले से मान लिए। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या क्या दिया गया है उसे लिखेंगे। हमें सवाल में दिया गया है थीटा इज इक्वल टू थीटा का मान 120 अंश, ये हमको सवाल में, दोनों 120 अंश के कोण बनाते हुए क्रियाशील है। साथ में हमको बल P वो पता है, उसका परिमाण कितना है 80 किलोग्राम। साथ में हमें निकालना क्या है लास्ट में, छोटा बल यानी Q का मान निकालना है, इसलिए चाहे तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, हमको ये भी दिया गया है कि Q निकालना है। अब साथ में एक चीज और दी गई है इसी सवाल में कि परिणामी बल R और Q इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, लंबवत है एक दूसरे के, यानी वो सूत्र के माध्यम से देखें तो हमने क्या बताया था इन दोनों के बीच के कोण को, बीटा, यानी हमें किसका मान दिया गया है वो बीटा। तो हम चाहे तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू बीटा का मान 90 अंश ऐसा बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या क्या दिया गया है हमको, हमने यहाँ पर बता दिया। अब सवाल आता है कि हम इस छोटे बल को निकालें कैसे, इसका मान निकालें कैसे। तो हमारे पास जो सूत्र है उसी का इस्तेमाल करेंगे, उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये सभी हमें चाहिए। तो हमारे पास टेन बीटा का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेन अल्फा का इस्तेमाल करेंगे तो अल्फा का मान रखना पड़ेगा, अल्फा है नहीं हमारे पास अल्फा का मान, इसलिए टेन बीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो अब उसे उस सूत्र को इस्तेमाल करने के पहले हमको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि हमारे पास जो सूत्र है, हम जानते हैं कि टेन बीटा बराबर ये होता है पी इंटू साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, हमको ऐसा बताना पड़ेगा। उसके बाद जो जो मान हमें यहाँ पता है उन्हीं मानों को यहाँ रखते जाएंगे, तो ये हो जाएगा टेन बीटा का मान हो जाएगा 90 अंश, पी का मान हमारे पास है 80 गुणा साइन थीटा का मान हमारे पास है 120 अंश। यहां पर आते हैं क्यू का मान हमें पता नहीं है इसलिए क्यू ही लिखेंगे और पी का मान 80 लिखेंगे गुणा कॉस 120 अंश। इस तरीके से इन मानों को रखने के बाद अब हमारे पास इनकी गणना करेंगे, तो टेन 90 का मान कितना होता है उसे रखेंगे, तो टेन 90 का मान होता है अनंत, तो अनंत रख दिए। उसके बाद यहां पर 80 गुणा साइन 120 अंश का मान कितना होता है ये रखेंगे, तो फिलहाल नहीं रखते चलिए, क्योंकि जब इधर अनंत मिला है तो उनके साथ में गणना करेंगे और गणना करके हम क्यू का मान निकालेंगे। तो देखिए यहां पर रखेंगे साइन 120 ही रख देते हैं, क्यू का मान क्यू ही रख देते हैं, और ये 80 गुणा
कॉस 120। यहां पर हम इनके मान को जानते हुए भी नहीं रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि गणना इनके साथ में करेंगे तो इन्फिनेटिव के यानी अनंत के साथ इनका जब गुणा होगा तो अनंत हो जाएगा ये भी, लेकिन अनंत हो जाएगा इधर गुणा करने से। ऐसी स्थिति में तो फिर इधर क्यों है ही नहीं, तो क्यों का मान निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए क्यों के मान को निकालने के लिए हम इन दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेंगे। तो व्युत्क्रम लेने पर चलिए लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, व्युत्क्रम लेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा अनंत और इधर हो जाएगा क्यू प्लस 80 गुणा कॉस 120 अंश। यहां पर अब मान रख देते हैं, चलिए कॉस 120 अंश का मान होता है माइनस 1 और ये उल्टा कर देने से व्युत्क्रम लेने से 80 गुणा साइन 120 अंश का मान हो जाएगा। वहां पर साइड में हम बता सकते हैं कॉस 120 अंश का मान माइनस 1 होता है। अब ऐसी स्थिति में सॉरी कॉस 120 अंश का मान माइनस 1/2। चलिए अब देखते हैं कि 1/ अनंत का मान जो होता है वो होता है 0 और यहां पर हो जाएगा क्यू माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस और 2 से इसको गुणा काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 यानी क्यू माइनस 40 और इसका गुणा जब इधर करेंगे तो बाद में 0 होगा तो 80 माइनस 80 गुणा साइन 120 अंश। हम यहां पर साइन 120 अंश का मान इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि 0 इधर बाएं पक्ष में है, इसके साथ जब इसका गुणा होगा तो वो गणना से हम बच जाएंगे। तो इस तरीके से इसका मान अब इधर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा q माइनस 40। पक्षांतर करने पर 80 और 120 का 0 से गुणा होगा तो इधर 0 हो जाएगा बाएं पक्ष में और इधर q माइनस 40 और फिर से पक्षांतर करेंगे 40 को तो ये हो जाएगा q बराबर 40। तो ऐसी स्थिति में ये 40 किलोग्राम बल का छोटा बल का मान निकलेगा। हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः छोटा बल का मान 40 किलोग्राम होगा। थैंक यू।